कौशल युक्त स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। सबसे पहले उम्मीद है आपको जो आवाज़ है मेरी वो ठीक आ रही होगी। ठीक है, तो आज जैसा मैंने पोस्ट भी डाली थी सुबह, आपने देखा भी होगा, अगर नहीं भी देखा तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्पेशली स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और थैंकफुली जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन या एम्बेसी भी बोलते हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट इशू की है, एक क्लैरिटी दी है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के सबसे बड़े भूत के ऊपर। मैं भूत ही कहूँगा क्योंकि उसका पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। आज से पहले जो जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट को GTE जो है, इट वॉज नॉट डिफाइंड कि उसमें जो हाई कमीशन है या एम्बेसी है या वीज़ा ऑफिसर है, जब वो फाइल को आपकी को असेस करता है, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो, तो वो किन बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड करता है कि ये जो स्टूडेंट है ये GTE कंप्लाइंट है या नहीं, यानी कि ये जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट है कि नहीं है। अभी तक तो ये था ना कि यूनिवर्सिटीज़ को हम एप्लीकेशन भेजते थे, ऑफर लेटर आती थी, फिर GTE आपकी होती थी, GTE में बहुत बड़ा टाइम लग गया जी, 1 महीना 2 महीने लग गए। और कहीं ना कहीं इस सारी GTE प्रोसेस का जो एक जिसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं, वो है हमारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी कि SOP क्या होनी चाहिए, SOP में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो हर बंदा अपने विजडम के हिसाब से, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक इंस्टीट्यूशन, कॉलेज जो वहाँ पे बंदे हैं एकेडमी के या कोई एक्सपीरियंस्ड हैं कहीं से भी हैं, तो वो उनके हिसाब से अपनी गाइडलाइंस जो है वो फिक्स कर देते थे। अभी रिसेंटली SAIBT साउथ ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने एक मेरा स्टूडेंट था, अनफॉर्चुनेटली बेचारा रिफ्यूज़ हो गया, मैं नाम नहीं उसका लूँगा, उसकी SOP कॉलेज ने मेरे से कम हमारी कंपनी से 10 या 11 बार रिवाइज करवाई। हम जैसे बाकी स्टूडेंट्स की SOPs लिखते हैं, हमने उसकी SOP बनाई और हमने वी सेंड दी डॉक्यूमेंट्स फॉर GTE प्रोसेस के लिए। तो वहाँ से जी मेल आई कि दिस SOP इज़ वेरी जेनरिक, इट हैज़ टू बी वेरी डिटेल्ड, ये वो कर करा के जी 12-13 बाद हमने SOP वो रिवाइज़ की, जो उन्होंने गाइडलाइन लिखी वो जाके तकरीबन 7-8 पेजेस की SOP बनी, और इतनी बड़ी SOP बनी जो कि एक +2 वाला बच्चा, मतलब जो मुझे बनाने में बड़ा टाइम लग गया, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि +2 पास बच्चा वैसी SOP कैसे बना सकता है। और आप यकीन नहीं करोगे, फाइल लगने के 15 दिनों बाद ही रिफ्यूज़ल आ गया। एंड आई रोट दैट मेल टू द कॉलेज कि भाई मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इज नॉट एक्सेप्टिंग सो लेंथी SOPs एंड द रिफ्यूजल्स आर कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ SOP जो कि लेंथी SOPs हैं। और उसके बाद कॉलेज की तरफ से मेरे को जवाब नहीं आया, और आज वही चीज़ जो है आई स्टैंड विंडिकेटेड, यानी कि मेरा जो तर्क था, ये जो मेरी कॉलेज को मेल थी, जो मेरा पॉइंट था कि भाई इतनी लंबी SOP नहीं होनी चाहिए, आज होम अफेयर्स ने भी वही चीज़ अपनी गाइडलाइंस में लिखी है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये मैं आपको फ्री का ज्ञान सभी को देने वाला हूँ, और मुझे ये भी पता है कि ये ज्ञान लेने में जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने ही या उससे थोड़े से कम एजेंट कंसल्टेंट भी ये वीडियो देखेंगे, बिकॉज ये जो गाइडलाइन है ये हर बंदे के पास नहीं आई है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी फाइलें आज सबमिट होनी है या कल होनी है या आने वाले किसी टाइम में भी होनी है, तो उनको ये चाहिए कि अपनी जो SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, डू नॉट मेक इट अ लेंदी एक वो बना के कि बहुत बड़ी कहानी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें उन्होंने बोला है कि क्या क्या पॉइंट्स आपने कवर करने हैं, उन्हीं के ऊपर बात होगी। मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया देने वाला हूँ, बाकी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो शायद आई एम नॉट इन अ लिबर्टी टू शेयर विद यू, बट मैं आपको काफ़ी हद तक बता दूंगा सो दैट आप एज अ स्टूडेंट और एज अ कंसल्टेंट, तो आप अपने विजडम के साथ या जो भी आपका कंसल्टेंट है, अगर उसका ही इज ऑब्वियसली ही वुड बी ए कॉम्पिटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प यू इन ड्राफ्टिंग और फॉर्मुलेटिंग दिस SOP। तो सबसे पहले लिख रहे हैं जी, ऑल एप्लीकेंट्स फॉर स्टूडेंट वीज़ा मस्ट शो
that they are coming to Australia temporarily to gain quality education. यानी कि जो आधार है GTE का वो ये है कि आपको ये बिल्कुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी कि शो करना पड़ेगा हमें, यानी कि एम्बेसी को, कि आप ऑस्ट्रेलिया पहली बात टेम्परेरीली आ रहे हैं स्टडी क्वालिटी एजुकेशन के लिए. अभी दो पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किए, टेम्परेरी एंड क्वालिटी एजुकेशन के लिए. द जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट GTE रिक्वायरमेंट्स इज नॉट इंटेंडेड टू एक्सक्लूड स्टूडेंट्स After studying in Australia, develop skills Australia needs, and who then go on to apply for permanent. देखिए, इसको वो कह रहे हैं कि गलत वे में मत लीजिए. आप the intention at the time of study should be quality education and temporary stay. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल को later on वहां पर जाके अगर स्किल अपनी एक डेवलप करते हो और बाद में आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आपका आज ही इंडिया में बैठ के अप्लाई करने का ही ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि आपने तो वहां जाके बस PR ही लेनी है. तो इसको आपने डिस्प्ले करना है टू टेल देम दैट वी आर GTE कंप्लायंट. Include personal statement addressing the GTE requirements in the application form. अपनी आपने statement of purpose या personal statement जो है उसको आपने 300 words से ज्यादा नहीं बनाना है. ये बहुत ही important update है. 300-350 words से ज्यादा बड़ी SOP बनाने की कोई जरूरत नहीं है. आपको एविडेंस देना है कि पहले आपने क्या पढ़ाई की है, आपने पढ़ाई और अभी अप्लाई करने में अगर आपकी उसमें गैप है मोर देन 6 महीने 8 महीने या 1 साल से ज्यादा का है तो यू नीड टू एक्सप्लेन दैट विद एविडेंस दैट व्हाट हैव यू अंडरटुक ड्यूरिंग दिस टाइम. उसके बाद आपने किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की, उसका नेम ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड होना चाहिए, उसकी कितनी देर की पढ़ाई, सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट अटेनमेंट जो है. अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है तो आपको करंट एम्प्लॉयर का नाम, उसका एड्रेस, आपकी एम्प्लॉयमेंट कितनी देर के लिए थी और आपकी जो सैलरी है दैट मस्ट बी credited in your account and the period for which the salary was credited in your account will be considered for gap justification. जो कि मैं बोलता रहा हूं. There is a warning in the statement. Any student found submitting any fake experience or any material document will be barred from entering Australia on any visa for long period of time which will have further repercussions on your travel to other countries also. तो अब ये मैंने अंग्रेजी में लाइन बोली है, इसको समझना बहुत जरूरी. अच्छा, मेरे जो दोस्त मित्र पाकिस्तान से देख रहे हैं बहुत सारी चीजें इसमें जो है वो आपके ऊपर भी अप्लाई होंगी बट कुछ चीजें आपके ऊपर नहीं होंगी जो कि मैं लेटर ऑन बताऊंगा भी आपको. तो अभी तक आपके ऊपर भी ये चीजें अप्लाई होती हैं. तो इसमें ये मैंने बोला है कि अगर आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट का या स्टडी का या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जाली डॉक्यूमेंट बना के सबमिट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म बैन लग सकता है किसी भी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में एंटर करने के लिए और फर्दर और किसी कंट्री में भी अप्लाई करने के लिए आपको नेगेटिव रेपरकशन यानी कि उसके नतीजे नेगेटिव हो सकते हैं. तो कृपया करके ये बोल रहे हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाइए, जेन्युइन एप्लीकेशन फिल करिए, कोई भी किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट मत लगाइए. स्पेशली ये उन लोगों को उनके ऊपर ये नकेल कसने के लिए या पंजाबी दे विच जिवें कहने कि नथ पाड़ ली जो कि आपके साथ पैकेज करके आपको नहीं पता कि आपके गैप
कि कैसे फुलफिलमेंट करते हैं, उसको फिल कैसे करते हैं, और आपको बैठ के आपने बोल दिया कि जी मेरा पैकेज, आप आराम से बैठ जाते हैं कि जी मेरा तो वीज़ा अब लग जाना है, मैंने तो बस टिकट लेके जहाज ही चढ़ना है, तो उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एंड वार्निंग है। टाइज टू योर होम कंट्री, जिसके ऊपर बहुत रिफ्यूजल्स आई हैं पीछे, यानी कि आपकी टाइज क्या हैं। एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल फैमिली सोशल टाइज होना चाहिए। यू नीड टू शो योर सिग्निफिकेंट इंसेंटिव टू रिटर्न टू योर होम कंट्री। अब ये जो लाइन है बड़ी टेक्निकल है, सिंस वी आर इन टू दिस बिजनेस सो आई फुली अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड दिस थिंग, बट मोस्ट ऑफ यू, बहुतेरे यानी कि मेजॉरिटी जो लोग आप सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते फैक्चुअली। वो ये कहते हैं कि आप अगर पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इंसेंटिव टू रिटर्न टू योर होम कंट्री क्या है। अब मैं अमित कौशल हूं, आई एम एन ओनर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी रनिंग फॉर लॉन्ग टाइम इन इंडिया। आई हैव माई कंपनी, आई हैव माई ओन हाउस, आई हैव माई किड्स एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स माई फैमिली माई बिजनेस। तो मैं अगर कहीं भी जाता हूँ वीज़ा लेके, तो मेरा इंसेंटिव ये है वापस आने का कि भाई मैं कहीं भी जाऊँ घूम फिर के मेरे को वापस आना है, क्योंकि मेरा बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है, मेरा अपना परिवार है और मेरा अपना घर है। तो इसको बोलते हैं इंसेंटिव टू रिटर्न टू योर होम कंट्री। तो एज अ स्टूडेंट आपका क्या इंसेंटिव है कि आप वापस आओगे अपने कंट्री में। जनरली यंग स्टूडेंट या यंग बच्चे जाते हैं, फैमिली टाइज जरूर है यहाँ पे, बट उसके अलावा क्या इंसेंटिव हो सकता है, तो उसको एक्सप्लेन करना। अकेली फैमिली टाइज जो हैं वो इंसेंटिव टू रिटर्न टू योर होम कंट्रीज नहीं है। जैसे मैंने बोला, फैमिली टाइज के अलावा मेरा अपना बिजनेस है, मेरी इकोनॉमिक सिचुएशन है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तो ये चीज़ें आपकी हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा में इनको कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है, दैट आई लीव इट टू यू, बिकॉज जब आप अपनी फाइल लगाएंगे तो आपके जो कंसल्टेंट हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक सिचुएशन इन होम कंट्री और अ कंट्री। अब यहां पे पाकिस्तानी दोस्तों, आपकी सिचुएशन और इंडियन स्टूडेंट्स की सिचुएशन डिफर करती है, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं आपसे फैक्चुअली अभी बात करता हूं। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के वीजाज रिफ्यूज हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज अ अनरेस्ट इन योर कंट्री, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, सो वी डू नॉट थिंक दैट यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री। क्यों? क्योंकि पिछले काफी साल से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अभी रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट थी, वो गिरी और उसके बाद न्यू गवर्नमेंट आई, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पे चल रही हैं, जिसको अब जो कंट्रीज़ ये हैं, चाहे आप यूके की बात कर लो, चाहे आप कनाडा की बात कर लो, चाहे यूएसए की, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, उनको ये लगता है कि स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया मतलब पाकिस्तान से स्टूडेंट एक तरीके से रास्ता ढूंढ रहा है टू लीव देयर कंट्री, एंड उनको यह है कि यहाँ पे आके वो पॉलिटिकल असाइलम ना सीख करें, यानी कि रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई ना कर दें कि जी हमारे देश में तो देखो ये सिचुएशन चल रही है, अभी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है या पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सो हमें वहाँ नहीं रहना, हमें बिकॉज एज पर वियना कन्वेंशन, हाँ वही है, तो जो ये रिफ्यूजीज़ को लेना या कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लोगों को लेना, अगर कोई अपने कंट्री में किसी वजह से परेशान है उनको लेना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेवलप्ड नेशंस की। तो इसलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के होते हुए उनको लगता है कि हम उनको मना भी नहीं कर पाएंगे, तो हम नहीं चाहते कि उस तरह से लोग आए। तो ये आपकी एसओपी में एक पॉइंट होगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी, इंडियन स्टूडेंट्स को ये मेंशन करना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोई अनरेस्ट नहीं है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, कि हम इसलिए वापस जब आएंगे, यहाँ पे इकोनॉमी जो है इस टाइम पे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड है, विच इज़ प्रोडिक्टेड टू बी ए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड इन 2027 और जो भी है, उसके लिए आपको गूगल पे डेटा मिल जाएगा। तो वो आप, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, वो आप लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मेरा आने वाला टाइम जो है वापस आके अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन इज मच बेटर। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, हाँ
आप ये भी बोल, देखिए ये मैं पहले भी बोलता हूं और मैं कई स्टूडेंट्स के एसओपी में ये पॉइंट ऐड भी करता हूं कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में या यूके में या कनाडा में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, मैं कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर मैं डिग्री लेने जाता हूं तो नॉट ओनली इंडिया, यानी कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में कोई भी डिग्री करता हूं तो सिर्फ इंडिया में ही क्यों या ऑस्ट्रेलिया में क्यों, मेरे लिए तो जॉब्स ऑल ओवर, ऑल अक्रॉस ग्लोब जो है वो खुली होनी चाहिए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूँ उसकी क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द ग्लोब है और मेरे को जो एक्सपोजर वहाँ पे मिलेगा, जो मैं नेटवर्किंग वहाँ पे कर पाऊँगा, उसके बाद आई कैन गो एंड वर्क इन एनी कंट्री। बट हाँ, एसओपी में लिखने के लिए वो कह रहा है कि आपके पास पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स अगर हैं तो उसको ज़रूर लिखिए, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी, इंक्लूडिंग अगर सैलरी है, बेनिफिट है और कोर्स कंप्लीशन के बाद अगर आपके पास ऐसे कुछ है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके बाद बहुत टेक्निकलिटी आ जाती है इसमें, सिचुएशन इन योर होम कंट्री, कंट्री ऑफ रीजन फॉर स्टडिंग। हाँ, आप ये कोर्स अगर ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, आई एम श्योर दे आर सेइंग कि 90% कोर्सेज आर अवेलेबल इन योर होम कंट्री ऑल्सो। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज मोटिवेटिंग यू टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया नॉट इन योर होम कंट्री? फिर इकोनॉमिक सिचुएशन वही चीज़ होगी, ठीक है जी, पोटेंशियल सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे आप कैसे रहोगे, आपके वहाँ पे वेलफेयर अरेंजमेंट क्या है, स्टे कैसे करोगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे है, कैसे लिविंग एक्सपेंस आप अपने यूज़ करोगे, वैल्यू ऑफ योर कोर्स, कोर्स के ऊपर बहुत फोकस है कि क्या पढ़ने जा रहे हो और उस कोर्स करने के बाद उसकी क्या वैल्यू होने वाली है, और आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, प्रीवियस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज, वीज़ा रिफ्यूज़ल एंड कैंसलेशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी व्हेन यू राइट योर एसओपी, और बहुत ही जिसे कहते हैं शार्प, स्विफ्ट और टू दी पॉइंट एसओपी होनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको, चाहे आप कंसल्टेंट एजेंट हो चाहे आप स्टूडेंट हो, तो बहुत सारे जो डाउट्स हैं अबाउट एसओपी क्लियर होंगे। और आपको मैं ये लेटेस्ट अपडेट भी दे दी है कि कितनी बड़ी एसओपी आपको ऑस्ट्रेलिया में लगानी है। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, इसको ज़रूर शेयर करिए, बहुत सारे मैक्सिमम लोगों तक ये जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट चाहे मुझे देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं, उन सभी का जो स्टडी वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया का जो ड्रीम है वो ज़रूर फुलफिल हो, चाहे हमारे से लगाएं चाहे कहीं से लगाएं, उनका काम होना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और जैसा पहले बोलता हूँ एंड में आके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, थोड़ा सा हमारा भी भला हो जाए। थैंक यू सो मच।